हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। कैसे आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोगों का ट्रेडिंग? सब सही चल रहा है आई गेस। तो देखो, आज अपन ने 2 दिन एक ट्रेड ली थी। अपने जो सीरीज चल रही है मार्केट वर्सेस ट्रेडर की, जो सीरीज चल रही है उसमें भी आज फिर से हम विनर हो गए। बैक टू बैक 2 डेज अपना अच्छा गया है विदाउट एनी SL हिट। ठीक है, कैसा ट्रेड किया था, क्या ट्रेड किया था, उसका सब कुछ लाइव पर है। आप जाके एक बार लाइव चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको उसमें अच्छा खासा नॉलेज गेन हो जाएगा। यहाँ पे अपनी एंट्री थी आज, इस पॉइंट पे मैं एंट्री क्यों की, कैसे की, किस वजह से की, ये सब जानने के लिए आप मुझे DM कर सकते हो। उसका लिए डिटेल्स में एंडिंग में डाल दूंगा। ठीक है, एक बार जाके चेकआउट कर लेना। ये अपना SL था, 19 पॉइंट पे अपन ने कैप्चर किए थे 50 पॉइंट। ठीक है, 50 पॉइंट अपन ने आज कैप्चर किए थे, जिसमें मैंने लिया था 200 क्वांटिटी, 200, और इसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ था कितना प्रॉफिट हुआ था, अच्छा 4,000 के अराउंड कुछ प्रॉफिट हुआ था, शायद 4,000 के अराउंड मेरे को आज प्रॉफिट हुआ था। तो 50 50 पॉइंट जाने के बाद भी मार्केट 50 पॉइंट जाने के बाद भी मार्केट सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट बढ़ा था। सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट बढ़ा था आज, इतना मूवमेंट होने के बाद भी। ज़्यादा जो अपना ये है, क्या बोलते हैं, जो प्रीमियम है, प्रीमियम ज़्यादा बढ़ रही नहीं थी आज। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था। मैंने लोगों को बोला था कि यहीं पे बुक कर लो, मैंने होल्ड किया था। बहुत लोगों ने यहीं पे बुक कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था, तो मैं बोल रहा था कि बुक कर लो जल्दी से। उसके बाद से ये मिला, फिर दूसरा ट्रेड बना था अपना इस साइड में। दूसरा ट्रेड अपन ने बनाए थे यहाँ पे। अच्छा, मेरे को पहले मार्क करने दो इसको, यहाँ पे मार्क करना इस साइड में। यहाँ पे कैपिटल बहुत परफेक्ट W बना है। मैंने आपको बोला था ना, W बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने कल भी आपको बताया था, कल की वीडियो में आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये देखो, परफेक्ट W बना है मस्त। और कितना बड़ा रैली मिली है, और यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ है। अगर कोई यहाँ पे भी एंट्री करता था तो उसको भी अच्छा खासा पॉइंट मिल जाते थे। जो भी यहाँ पे भी एंट्री कर सकता था उसको भी अच्छे खासा प्रॉफिट मिल जाता था। प्रॉफिट तब होता है जब अपना SL छोटा रहे और परफेक्ट जगह पे एंट्री हो। ये जगह रहती है अपनी एंट्री वाली। ठीक है, ये अपना लाइन बनी हुई थी, 1 मिनट पे जाते। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से रिजेक्शन आया, W आया। एक तो यहाँ पे एंट्री बन सकती थी, दूसरी एंट्री बनती थी यहाँ पे। यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी, यहाँ पे एंट्री बनाई थी। इसको मैंने SL रखा था 15 पॉइंट का, 15 पॉइंट का SL रखता ही हूँ। 15 20 पॉइंट तो मेरे नॉर्मल है। तेसरों को उसके ऊपर अपन ने कितने पॉइंट्स खाए थे, 50 पॉइंट फिर से खाए थे दोनों साइड में, अप साइड और डाउन साइड। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। मैं आपको इसके बारे डिटेल्स, मतलब आपको सीखना होगा तो आप मुझे DM कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से उसका डिटेल्स दे दूंगा। ठीक है, ये थी आज के मार्केट इनसाइड। अभी देखते हैं कल क्या हो सकता है। कल मार्केट में एक प्रिडिक्शन लगाते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल मार्केट में देखो, 2 दिन से ना बहुत कंसल्टेशन चल रहा है। कल मार्केट में, कल या ट्यूसडे को जब एक्सपायरी है, उस दिन बहुत बड़ा मूव आने वाला है। एक तो कल आएगा, कल आएगा तो फिर एक्सपायरी के दिन नहीं आएगा। अगर कल नहीं आया तो एक्सपायरी के दिन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत बड़ा मूव आ सकता है। अभी अपने पास एक दो रेंज है। ठीक है, ये दो रेंज इसको जाते 15 मिनट पे। 15 मिनट पे जाने के बाद देखते हैं कि अपन इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, ये अपना जोन मिल जाता है, अपने को अच्छा खासा जोन मिल जाता है, परफेक्ट जोन बना हुआ है। यहाँ पर W बना हुआ है, मस्त जोन है। ठीक है, इस यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होगी, होगी तो यहाँ पे ट्रेडिंग होगी, यहाँ पे ट्रेडिंग, यहाँ से सेलिंग देखेंगे, यहाँ से बाइंग देखेंगे। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर साइड जाता है और कुछ ऊपर बाइंग वाला सेटअप बनता है तो फिर बाइंग में जाएंगे, अदरवाइज यहाँ से तो सेलिंग में है। बाइंग वाला सेटअप यहाँ पे बना तो यहाँ से भी ऊपर जाएंगे, जो अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से रहेंगे वो। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल भी मार्केट हो सकता है इसी रेंज में रहे, अगर ब्रेकआउट दिया तो बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि 2 दिन से कंसोलिडेट चल रहा है। एक तो वेनेसडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को तेल मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन ऊपर जा सकता है, एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा मूव मिलेगा अपने को। ठीक है, तब तक ये कंसोलिडेट ही करेगा, उसको कंसोलिडेट करने दो, क्या कर रहा है उसको करने दो, बाकी अपन फिर कल देखेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी देखते हैं, बिटकॉइन नहीं, बैंक निफ्टी चाहिए। बैंक निफ्टी भी एक ही रेंज में घूम रहा है। बैंक निफ्टी का उतना कुछ मुझे लगता नहीं है। बैंक निफ्टी जब से वो बड़ा है ना, जब से बैंक निफ्टी का
लॉट साइज कम हुआ है तब से, इसमें ज़्यादा का कुछ खास मूव मेरे को दिखते नहीं है। देखो आज अपना सेटअप भी यहाँ पे से अपना सेटअप भी नहीं बनता, अपना सेटअप बनता है सिर्फ निफ्टी 50 में, वहीं पर अच्छी ट्रेडिंग होती है। और वो सबसे बेस्ट है कि आप कोई एक इंडेक्स पकड़ के उसी पे लगे रहो ना, तो आपको उसका बिहेवियर उसका सब कुछ समझ में आना चालू हो जाता है। अगर आप 10 चीज़ें देखोगे, अगर आप चलो आपके आप लड़की हो तो आपका बॉयफ्रेंड होगा, या फिर आप बॉय होंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड होंगी, एक गर्लफ्रेंड रखोगे आपको पता है इसका क्या है, इसके बिहेवियर कैसा करता है, कैसी रहती है, कैसे वक्त कैसे मतलब उसका बिहेवियर क्या है, वो आपको अच्छे समझ में आ सकता है। लेकिन वही आप 10 गर्लफ्रेंड रखोगे तो आप पूरा कन्फ्यूज हो जाओगे, आप पगले हो जाओगे, आप कुछ भी नहीं समझेगा। वैसे मार्केट में भी रहता, कोई एक इंडेक्स पकड़ो, उसी के ऊपर लगो, उसी के ऊपर भिड़ो, उसको पूरा प्यार दो, उसी को सब बिहेवियर समझो, उस पे इन्वेस्ट करो, परफेक्ट करो ना, आपको उतना पैसा कमा के दे देगा वो। रोज़ मत मिलो, एक दो दिन में एक बार मिलो, हफ्ते में 2 बार 3 बार मिलो, मतलब हफ्ते में 2-3 बार ट्रेड करो, बस इतना ही आपने कर लिया आपके परफेक्ट सेटअप के बाद, तो आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ भी लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और ऐसी साइकोलॉजी जानने के लिए, सीखने के लिए आप मुझे DM कर सकते हो, मेरा नंबर है ये 8459485772। आप मुझे इस पर DM करिए, कम कीमत में परफेक्ट नॉलेज आपको मिलेगा। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वन एंड वन क्लासेस रहेगी जूम पे, ठीक है। मैं आपको पर्सनली आगे सब सिखाऊंगा, कुछ डाउट्स रहे तो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी मिलेगा मेरे तरफ से, ठीक है। और आपको अगर साथ में ट्रेडिंग करनी है तो आप हमारी पर्सनल अपने यूट्यूब पे मेंबर्स ओनली की स्ट्रीम भी चलती है, जहाँ पे पूरा अपना स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ कब लेना है, कब छोड़ना है, कब क्या करना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे इस नंबर पर DM करिए। और चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं। 2 रेंज अपन ने आज के लिए कल के लिए बना के रखी है, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की, तो इसी रेंज में हमें ट्रेड करना है कल। यहाँ पे सेलिंग और यहाँ पे बाइंग, और इसके ऊपर क्लोज होता है और यहाँ पे कुछ बाइंग सेटअप बनता है तो बाइंग साइड जाएंगे, ठीक है। ये अपने अभी 2 सिनेरियो बने हैं। अब कंसोलिडेट कर रहा है, एक साइड में फटेगा तो बहुत बढ़िया फटेगा, लेकिन पहले फटने से पहले किसी एक को ट्रैप करके जाएगा ही जाएगा। देखो कल मैंने क्या बोला था, यहाँ पे देखो ट्रैपिंग हुई बहुत बढ़िया, W की ट्रैपिंग हुई, लोगों को लगा यहाँ W का ब्रेकआउट हुआ, जैसे ब्रेकआउट हुआ वहाँ से नीचे खींच लिया मार्केट ने, वही है यहाँ पे भी W हुआ, यहाँ पे ऊपर गया, कल देखना कल गैप डाउन खुलेगा, फिर से यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो कल बाइंग साइड रखो पूरा माइंडसेट, बाकी अपन कल मार्केट जो दिखाएगा उसमें अपन चले जाएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।